हेलो गाइस, कैसे हो? तो जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम था, उस टाइम हमने वीडियो बनाया था जिसमें बताया था करीब 12:00 बजे के अभी तक वेबसाइट एक्टिवेट नहीं हुआ है, लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। तो जी हाँ साथियों, देखेंगे फिलहाल मैं कहीं जनाजे में शिरकत होने के लिए चले गया था और फिलहाल अब जा रहा हूँ, लेकिन अभी मदरसा बोर्ड की वेबसाइट जो है अपडेट हो चुकी है, लिंक एक्टिवेट हो गई है। इसीलिए साथियों फ़िलहाल मैं अभी सफ़र में हूँ, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए जैसे ही लिंक एक्टिवेट हुआ है वैसे ही मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गया हूँ। तो यहाँ साथियों देखेंगे, अगर आपको वीडियो में कोई भी गाड़ी वगैरह की भुआस आ रही होगी तो उनको आप माफ़ फरमाइएगा। साथियों माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आप सभी का जो एडमिट कार्ड आ गया है, जिसकी वजह से मुझे ये खुशी भी बहुत है और बनाना भी पड़ रहा है। तो जी साथियों चलेंगे आप सभी को हम वेबसाइट पर लेकर मदरसा बोर्ड के, और आप सभी को हम डाउनलोड करने का तरीका बताएंगे। तो जी साथियों, आप सभी के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, तो आप भी हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथियों तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखेंगे साथियों, सबसे पहले आप सभी को अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना, जैसा कि मैं आप सभी के सामने ये क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है, और उसमें सिंपली आपको लिखना जो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली BSMEB, उसके बाद डॉट दे देंगे, उसके बाद ORG लिख देंगे। देखेंगे साथियों यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ में पड़ जाते हैं कि इस पर क्लिक करें या फिर इस पर, किसी पर आपको क्लिक नहीं करना, डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए साथियों हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही देखेंगे इस पर हम क्लिक करने के बाद आपको अगली पेज पर लेकर जाएगा, और देखेंगे साथियों यहाँ पर नेट भी फिलहाल बहुत अच्छी काम कर रही है, और यहाँ देखिए सबसे पहले आ गया BSMEB का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जी हाँ साथियों, इसी पर आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप साथियों इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको मदरसा बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चले आएगा, और यहाँ देखिए जैसा कि आप सभी को हमने बताया था ये लेटेस्ट अपडेट है, और यहाँ पर देख रहे होंगे कि डाउनलोड FM एडमिट कार्ड। तो F का मतलब होता है फोकानिया और M का मतलब होता है मौलवी, यानी कि फोकानिया मौलवी डाउनलोड एडमिट कार्ड, यानी कि लिंक एक्टिवेट हो गया। यहीं पर हमने बताया था उस टाइम कि अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। तो चलिए साथियों इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही साथियों इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये अगली पेज पर ले जाएगा। तो देखेंगे साथियों यहाँ पर आ गया, और यहाँ देखेंगे आपको कहीं भी डाउनलोड करने का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इसके लिए आपको घबराना नहीं है, डायरेक्टली ये मेनू पर क्लिक कर देना। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप साथियों इस पर क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा तो यहाँ लिखा आएगा होम, और नीचे लिखा आएगा व्यू प्रिंट एडमिट कार्ड, तो इसी पर आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना। ये जो व्यू प्रिंट एडमिट कार्ड लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही साथियों आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा और फोकानिया का एडमिट कार्ड, यहाँ पर मौलवी का एडमिट कार्ड। तो अगर आप फोकानिया का डाउनलोड करना चाह रहे हो तो ये वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, और मौलवी का अगर डाउनलोड करना चाह रहे हो तो आप नीचे वाला लिंक पर क्लिक करेंगे। तो चलिए साथियों हम यहाँ पर फोकानिया का क्लिक डाउनलोड करके पहले आपको दिखाता हूँ, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो साथियों यहाँ पर आपको ले जाएगा, तो यहाँ देखेंगे कह रहा कैंडिडेट रेफरेंस नंबर, तो देखेंगे इसमें जो आपको डालना है वो क्या चीज़ डालना है। तो रेफरेंस नंबर आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर दिया होगा, उसी को डायरेक्टली इसमें क्लिक कर देना है। तो देखेंगे साथियों ये मेरा रेफरेंस नंबर है, इसको मैंने कन्वर्ट करके क्लिक कर दिया है। इसमें आपको डायरेक्टली यहाँ पर ये सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा साथियों आपको एडमिट कार्ड खुलकर सामने आ जाएगा। तो चलिए हम सर्च पर क्लिक करते हैं। तो देखेंगे साथियों हमने सर्च पर क्लिक किया, और देखिए यहाँ पर ये साथियों ये एडमिट कार्ड खुलकर सामने आ गया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डायरेक्टली, आप देख रहे होंगे कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना फोकानिया एग्जामिनेशन 2022 एडमिट कार्ड, यानी कि दाखिला कार्ड ये आपका आ गया है, जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर देख लिया। तो जी साथियों चलिए आप मौलवी का डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो अगर आप साथियों अगर मौलवी का डाउनलोड करने के लिए चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही साथियों इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ कहेगा आपको रेफरेंस नंबर डालने के लिए, तो मैं वो रेफरेंस नंबर डाल देता हूँ। तो देखेंगे साथियों हमने ये रेफरेंस नंबर डाल दिया, और डायरेक्टली आपको ये सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये मौलवी का एडमिट कार्ड आ जाएगा। देखेंगे साथियों यहाँ लिखा हुआ है मौलवी एडमिट कार्ड 2022। तो जैसा कि आप सभी के सामने हमने यहाँ तक की बहुत सारी मेहनत करके आप सभी के सामने इस वीडियो को पेश किया, और बताएंगे कि वीडियो आप सभी के लिए कैसी लगी। और चलिए साथियों मैं ये भी बता दूं कि ये रेफरेंस नंबर आप कहाँ से हासिल करेंगे। तो रेफरेंस नंबर हासिल करने के लिए आप जिनको फॉर्म भरने के लिए दिए होंगे आप उनको बोलेंगे, वो आपको रेफरेंस नंबर देगा कि सर मुझे अपना रेफरेंस नंबर दीजिए, और अपना भी आप सेंटर देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ होता है। जी हाँ साथियों इस वीडियो में बहुत सारी वॉइस आवाज़ आ रही है, उनको आप माफ़ फरमाएंगे, क्षमा चाहते हैं। साथियों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक आप इस चैनल पर बने रहें, इसी तरह तैयारी करते रहें।